प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। नियोजन कार्यालय गिरिडीह की ओर से शहर के झंडा मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 20,000 से अधिक प्रशिक्षित और पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की भीड़ जुटी। जिला नियोजन कार्यालय द्वारा झंडा मैदान में आयोजित इस मेले में गिरिडीह समेत देश भर के 18 से अधिक निजी कंपनियां मौजूद रहे, जबकि डीसी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के 18 पदों को भी मेले में शामिल किया गया। मेले का शुभारंभ उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, प्रोफेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद नियोजन कार्यालय द्वारा पंजीकृत दो युवाओं को उपायुक्त ने अलग अलग कंपनियों के पद के लिए ज्वाइनिंग लेटर देने के साथ साथ बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मेले में पूरे जिले से 48,000 से अधिक युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। इसमें अलग अलग कंपनियों के लिए मैकेनिकल अभियंता, बिक्री एक्सिक्यूटिव, स्कूल के प्रिंसिपल पोस्ट के साथ साथ सहायक प्रिंसिपल, नर्सिंग होम में सहायक नर्स, ऑपरेटर, महिला शिक्षक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर टीम लीडर समेत कई पोस्ट शामिल हैं, जिसके लिए 10,000 से अधिक आवेदन आए हुए थे। इस मेले में नियोजन कार्यालय से रजिस्टर्ड कंपनियों में गिरिडीह के प्रदीप इलेक्ट्रिक, विश्वनाथ नर्सिंग होम, गोयनका हॉस्पिटल, शिवम स्टील समूह, अतिवीर समूह, कार्बन रिसोर्स, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर्स, सिक्योरिटी कंपनी कोबरा लाइन, न्यू दिल्ली के इंडियन कॉफी हाउस समेत 18 कंपनियां शामिल हैं। प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के द्वारा जिला नियोजनालय गिरिडीह के द्वारा ये रोजगार मेला 2022 का ये आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें हम लोग यह कर रहे हैं कि हमारे जो भी नियुक्ता है या जो भी नियोजनकर्ता है, चाहे वो गिरिडीह के हों, चाहे वो राज्य भर के या देश भर के हों, वो उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया है और हमारे जो भी स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको निबंधन और उनको रोजगार के अवसर दिलाने का ये काम कर रहे हैं। लगभग ऐसे 40 नियुक्ता ने आज निबंधन कराया, जिसमें कि लगभग 20 जो कंपनियाँ हैं वो गिरिडीह के हैं। हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से और SMS के माध्यम से हमारे यहाँ जो लगभग 6,000 ऐसे जो उम्मीदवार हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, उनको SMS के माध्यम से और अन्य लोगों को आप लोगों के माध्यम से और अखबार के माध्यम से ये सूचित किया है। और ये प्रक्रिया है, ये लगातार ये जारी रहेगा। आज जो भी निबंधित हो रहे हैं और इसके अलावा भी हम लोग के एम्प्लॉयमेंट एक्शन में जो 6,000 ऐसे लोग निबंधित हैं, उनको हम लोग लगातार ये कंपनियों से वार्ता करके जोड़ने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा जो निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों के 75% आरक्षण संबंधी जो नीति बनाई गई है, उसके संबंध में भी हम लोगों ने हमारे जो यहाँ पे निजी कंपनियाँ उनके साथ में एक बैठक किया है, जो कि लगातार हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका समीक्षा भी काफ़ी ज़रूरी है। और इसके साथ ही हमारे सरकारी कार्यालयों में जो आउटसोर्सिंग के द्वारा जो स्टाफ रखे जाते हैं, उनको भी हम लोगों ने निर्देशित किया है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी 3 साल का वक्त दिया गया है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम लोग जोड़ सकें। आने वाले दिनों में कोडरमा जिला के साथ में हम लोग संयुक्त तौर पर एक रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि भारत सरकार के जो NSDC है उसके द्वारा इसको मॉडल के तौर पर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ई गवर्नेंस से रिलेटेड, कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड हम लोग ट्रेनिंग दें, जिसके लिए कि जिला समन्वय की जो DGS ई गवर्नेंस सोसाइटी है और जिला नियोजनालय में भी जो हमारा कंप्यूटर लैब है, उसमें हम लोग युवाओं को कुछ प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग एक छोटे स्तर पर ही हम लोग के जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा विद्यालय हैं, उनमें हम लोग अवकाश के दिन जाके कुछ करियर काउंसलिंग रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में 9 वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक बेहद पैमाने पर हम लोग आ सकें। अभी आने वाले दिनों में 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में हम लोग एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स है, वो सभी प्रखंडों में करा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक पायलट या पेट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए, इसके फीडबैक को देखते हुए। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।